भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक लगभग सभी क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। आज ही के दिन 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऐसे में आज हम आपको अंबेडकर जी के राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्यों के बारे में बताते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अहम काम किया। उन्होंने मनुस्मृति दहन, महाड सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गर्जना जैसे कई आंदोलन किए। बेजुबान शोषितों और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अंबेडकर ने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्ग के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। साल 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर की रचना, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना की गई। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वॉयसराय से अनुमोदित भी किया गया और बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया जाने लगा। संविधान निर्माण। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार करने का अहम योगदान दिया। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने का प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयोग और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति भी बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC ST के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को 65 बरस की उम्र में नई दिल्ली में हुई।